कुछ लोग बगैर पूछे घर के अंदर घुस गए, पता नहीं कौन थे कौन नहीं थे। तो उन्होंने अच्छा नहीं किया और पूरे घर की वीडियो बना के चले गए। तो ऐसा लोगों को हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों से सेहत दे, अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम फैमिली को खुश आबाद रखे। और आज एक प्यारी सी नई सी सुबह का आगाज़ शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह आज जो भी डेली की रूटीन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और कुछ लेडीज़ आई थी कल, तो हमारी जो मेड है उन्होंने दरवाज़ा खोला और उन्होंने कहा कि भाई हमने सितारा से मिलना है। तो वो बगैर पूछे ही ऐसे ही अंदर आके घुस गई और आके बैठ गई और घर के अंदर की वीडियो बनाई और बाहर भी वीडियो बना के चली गई। तो ये चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं होती और ये कानूनी तौर पर ये नामुनासिब हैं। आपको ऐसा कोई भी इजाज़त नहीं देता कि आप जाके किसी के घर की वीडियो बनाएं और उनके घर को दिखाएं। तो ये आपने बहुत ही गलत किया है और नेक्स्ट टाइम हम आप लोगों से परहेज़ करेंगे और आप लोगों से दूर रहेंगे, क्योंकि बग़ैर पूछे अंदर आना और आके घर में बैठ के वीडियो बनाना और ये सब चीज़ें करना और बाहर जाके फिर अपनी वीडियो अपलोड कर देना और घर की कैसी हालत होती है, सफाई सुथराई हो रही होती है, काम काज चल रहा होता है, तो घर में बैठ के आप लोग ये वीडियो बनाना फिर कहना कि सितारा हमसे मिलना नहीं चाहती और ये सब चीज़ें, तो आप लोगों को तो पहले तो आना नहीं चाहिए। और जब आना होता है तो बंदा किसी को बताता है, हम लोग भी किसी के घर जाते हैं तो बता के जाते हैं भाई हम आ रहे हैं या ये वो है। बंदा किस हालत में होता है, कभी किस हालत में होता है, कभी उसने कपड़े चेंज किए होते हैं नहीं किए होते हैं, मुँह धोया होता है नहीं धोया होता, सो रहा है, कभी वाशरूम में है, कहाँ है कहाँ नहीं है। तो आप आके फिर घर में घुस जाना वो भी बगैर पूछे, जब घर वालों की इजाज़त नहीं है। तो हमारी बहन ने जो है दरवाज़ा खोला कि उससे हम बात करूं, तो वो फ़ौरन से अंदर चले आए और आके बैठ गए। तो मैं कहीं गया हुआ था, मुझे पता नहीं था। जिस तरीके से वो घर में घुस गए और आके घर की वीडियो बनाई और ये कानूनी एक्शन भी लिया जा सकता है इस वीडियो के ऊपर, जिस तरीके की वो वीडियो बना के गए हैं घर की, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे घर के आसपास के जितने भी फैमिलीज रह रही हैं वो बगैर पूछे या कभी भी वो आने की कोशिश उन्होंने नहीं की, और जब भी मिलते हैं हमें बाहर ही मिल लेते हैं। और जैसे हम बाहर घूमने जाते हैं या बाहर गली में निकल के खड़े होते हैं, वो गुजर रहे होते हैं तो उनसे मुलाकात हो जाती है। वो ये हमारे घर के जितने भी हमसाए हमारे रह रहे हैं वो ऐसे लोग नहीं हैं, ना वो ऐसा करते हैं जैसा इन लोगों ने किया है। बगैर पूछे घर में घुस गए हैं और फिर घर की पूरी वीडियो बनाई। और आयत जो है वो रेडी होके आ चुकी है और मुस्तफ़ा और तैयबा आने वाले हैं। आयत को फ्लावर भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो फ्लावर भी साथ लेके जा रही है, ये इसका फेवरेट है, ये इसने खुद बाय किया था। और आयत कैसी है, आपको विलेज अच्छा लगता है या इस्लामाबाद? इस्लामाबाद अच्छा लगता है। आपको स्कूल आपको अच्छा लगता है? मेरी क्यूट सी बेटी है आयत और मेरी प्यारी बेटी तैयबा, वो भी आने वाली है। भाई जान तो बहुत प्यारा है, आप लोगों का भाई है, आपका भाई है ना, प्यारा भाई है ना। नहीं नहीं मम्मा ने डांटा है। मम्मा ने डांटा है? हाँ, ये भाई जान रोगे। भाई जान रोगे इसलिए हमें ये अच्छा लगता है। मुस्तफा भी आ गया रेडी होके। ये तो मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ दिया। ओके बाय बाय, बाय बाय मुस्तफा, बाय बाय आयत, बाय बाय तैयबा। तो अभी चलता हूँ वापस घर और बच्चों की छुट्टी जब होगी तो बच्चों को लेके जाऊँगा, तो तब जुम्मे का टाइम भी हो जाएगा जुम्मा नमाज का, तो हम जुम्मा नमाज पढ़ने जाएंगे मैं और मुस्तफ़ा। आज मौसम अच्छा है, बेहतर है, सूरज भी निकला हुआ है और दूर दूर जो है ना धुंध नज़र आ रही है। अगर शहर से बाहर निकलेंगे तो आपको काफ़ी धुंध मिलेगी, शहर है यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है ना, तो इस वजह से आपको धुंध ज़्यादा नज़र नहीं आती। मैंने बच्चों को स्कूल से ले लिया और हम जा रहे हैं अभी वापस घर। और आयत जो है वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। आयत को क्या चाहिए? आयत ने जो चीज़ ले ली है ना, तभी आपने भी ले ली। मैंने एक लॉलीपॉप। मुस्तफा ने? मैंने चीज़ नहीं ली। मुस्तफा ने कुछ भी नहीं लिया। घर आ गया हूँ। मुस्तफा आपने बैग नहीं उठाओगे? अच्छा ट्यूशन जाना है, चले जल्दी से अंदर चलो। शाबाश। और अभी हमारा गार्डन भी थोड़ा अच्छा होना शुरू हो गया है और पुदीना देखें कितना अच्छा ग्रो कर रहा है अभी। तो चलते हैं अंदर और इस गाड़ी को भी वॉश करवाना है। और माशाल्लाह हमारे घर का धनिया जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया है और लहसुन भी काफ़ी बड़ा हो गया है, इसमें थोड़ी थोड़ी गोटी कर दूँगा
तो एक दो दिन बाद जाके उनको पानी लगाऊंगा। तो अभी मैं चलता हूँ अंदर, और जुमा नमाज का भी टाइम है, जुमा नमाज की तैयारी करते हैं। बस आप जाएं जल्दी से रेडी हो के। अच्छा, जल्दी से रेडी हो। हाँ, जुमा नमाज पढ़ने जल्दी से रेडी हो जाते। ये क्या, ये जल्दी से रेडी हो। कितने ट्राउजर पहने हुए हैं आपने? मैं भी ऊपर चलता हूँ, नहा के कपड़े चेंज करता हूँ, और जुमा नमाज का टाइम है, तो हम जुमा नमाज पढ़ने के लिए अभी निकलेंगे, मैं और मुस्तफ़ा। तो मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को जुमा मुबारक। जी, तो मैं जुमा नमाज के लिए रेडी हो गया हूँ, और मुस्तफ़ा भी रेडी है, तो अभी हम चलते हैं जुमा नमाज पढ़ने के लिए। तो मैं और मुस्तफ़ा जुमा नमाज पढ़ने के लिए आ गए हैं। ऐसे ऐसे सब लोग जा रहे हैं मस्जिद में, क्योंकि जुमा नमाज का टाइम होने वाला है। जी, तो हमने नमाज जुमा पढ़ लिया है, अभी वापस जा रहे हैं घर। जी, तो मैं छत पर आया था, मुर्गियों को बाहर निकाला, मुर्गियों जो है उन्होंने दाना खाया और पानी पी रही हैं, कुछ मुर्गियाँ अंदर हैं वो दाना खा रहे हैं। सबको मैंने खोल दिया था और सारे डोर जो है मैंने ओपन कर दिए थे, सारी मुर्गियाँ निकल के बाहर रही, उन्होंने अच्छा खासा घूमा फिरा थोड़ी देर। कुछ मुर्गियाँ जो हैं वो अंदर चली गई हैं, और दो मुर्गे, मुर्गा और मुर्गी वहाँ पर पानी पी रहे हैं, और पिजन जो हैं, पिजन और तोते जो हैं अंदर बैठे हुए हैं। तो पिजन ने जो है अंडे दिए हैं, और दोनों जो हैं बारी बारी अंडों के ऊपर बैठते हैं। अभी जो है मेल अंडों के ऊपर बैठा हुआ है, और उसकी जो फीमेल है वहाँ पर जो दाने चुग रही है। और जो ग्रीन वाले पैरेट हैं उन्होंने भी अंदर घोंसला बनाया हुआ है, सामने उनका घर है, तो उन्होंने मेरे ख्याल में अंडे दिए हुए हैं, शायद हो सकता है, मैंने देखे नहीं है वैसे, क्योंकि वो हर वक्त उसी घोंसले में घुसे रहते हैं। तो अभी बाहर आके खाना खा रहे हैं, और पिजन जो मेल है वो अंडों के ऊपर बैठा हुआ है, अपनी फीमेल का इंतज़ार कर रहा है कि वो कब आएगी, वो अंडों पर बैठेगी और फिर मेल जो है वो जाएगा खाना खाने के लिए। तो ऊपर का जो पोशन है वो हर जगह जा सकते हैं, ऊपर का पोशन बिल्कुल ओपन है, और नीचे वाला जो पोशन है ना इसमें बिल्कुल बंद किया हुआ है, ऊपर वाला पोशन जो है खुला है, ऊपर से इधर उधर ये लोग जा सकते हैं। ऊपर जो पिजन और पैरट, इनको आज़ादी दी हुई है, ये एक दूसरे के घर आ जा सकते हैं, इनके इनमें ना ये आपस में दोस्त बन गए हैं। जब ये छोटे वाले पैरट जो हैं पिजन को तंग करते हैं, तो फिर इनकी आपस में हल्की फुल्की लड़ाई हो जाती है, वरना इनकी आपस में लड़ाई नहीं होती, ये बहुत गहरे दोस्त हैं। अभी जल्दी से चलता हूँ और बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आता हूँ, क्योंकि बच्चों के ट्यूशन का टाइम हो गया है। डोर को करते हैं लॉक, इसको बंद करना लाजमी होता है। चलें जी, ये बंद हो गया, चलें 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 जल्दी चलते हैं। जी, तो मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के बाद वापस घर आ गया हूँ। तो अभी मैं अपनी वाइफ सितारा के साथ गीगा मॉल आया हुआ हूँ। आदि पर जो है आयत तैयबा की जैकेट गुम हो गई थी, तो अभी आयत तैयबा के लिए ले रहे हैं जैकेट। जैकेट लेनी है या कुछ और भी लेना है? हाँ, आयत और तैयबा के लिए जैकेट्स लेनी थी, वो हमने ले ली। तो अभी हम चलते हैं वापस घर की तरफ, रास्ते में रुकेंगे, कहीं कुछ लेना होगा तो ठीक, नहीं तो वापस चले जाएंगे घर।